गाइस केरला स्टोरी चल रही है ये सब पता होने के बाद। देखो हाय हाउ डूइंग, ये देखो भाई गोरी इन माय व्लॉग। 5 घंटे की नींद लेके उठ चुके हैं दोबारा, 7 बज गए हैं, अभी तैयार होके 8 बजे निकलना है कॉलेज के लिए, 11 बजे तक हम कॉलेज पहुंच जाएंगे। तो चलो दिखाते हैं फिर जर्नी। सबसे पहले हम जर्नी स्टार्ट करेंगे ना भरे हुए फिल्टर के साथ। अब इसमें पानी भरना पड़ेगा यार। जहाँ पे मैं काम करता हूँ ना वहाँ पे कल एक लड़का एक लड़की को कह रहा नल चला दो तब तक जो डिशेज हैं वो गीली हो जाएंगी नल। तो हमने नल चलाया था, नल ऐसे करके चलता है और ये पानी फिल्टर हो रहा है। अब तो पानी फिल्टर होके जल्दी जल्दी घुसते हैं नहाने, फिर नहा के तैयार होके चलते हैं। तो कुछ ही मिनटों में अपना पानी हो चुका है फिल्टर। यार कैमरा साफ नहीं है, कल भी ऐसे ही बना दी मैंने सारी क्लिप। अब देखो अब भाई ना कैमरे में चमक, या मेरा कैमरा ही खराब हो गया भाई। साफ आ रही है नहीं आ रही है गाइस, चेक करके कमेंट करके बताना साफ आ रही है या नहीं। तो अब हम फिल्टर हुआ पानी इसमें डाल देंगे। इसमें पानी डालने के बाद ये नारियल पानी बन जाता है, तो मैं रोज़ सुबह नारियल पानी पीता हूँ। अब देखो मैं अच्छा बंदा हूँ, मैंने पिया, अब मैं इसमें दोबारा पानी डाल दूंगा ताकि जो कोई दोबारा पिए उसे फिल्टर हुआ पानी मिल जाए। निक्की भाई के मैसेज आ रहे हैं, निक्की भाई कॉलेज पहुँचो आप। तो भाई नहा के निकल चुके हैं, तो अभी ज़्यादा टाइम है नहीं है क्योंकि 8:45 हो गया और मेरे को काम है, ज़्यादा दूध भी पीना है और भी कुछ करना है। तो राइडर वाली जैकेट डाल लिया, मैं बाइक लेके जा रहा हूँ कॉलेज। तो बाद में मिलते हैं, रास्ते में दिखाते हैं, मैं लेट नहीं होना चाहता, ठीक है ना भाई, समझ जा मेरी बात। क्योंकि मैं बहुत पढ़ने वाला बच्चा हूँ तो मैं अपनी पढ़ाई मिस नहीं करना चाहता भाई, मेरे को फिर यहाँ पे एक बड़ा आदमी भी बनना है एक दिन पढ़ लिख के। तो गरम गरम दूध बिना गिराए निकाल लिया है गाइस। मैं लेट हो रहा हूँ फिर भी मैं क्लिप पता नहीं क्यों बना रहा हूँ, शायद आज शबाशी देने के लिए बना रहा हूँ कि बिना गिराए दूध निकाल लिया। बहुत यार इकट्ठे कर लिए हैं भाई, ये भी इकट्ठा कर लिया, एयरपोर्ट इकट्ठे कर लिया, और बाकी जो हमें कॉलेज में आज कवर बेच के आने हैं वो भी इकट्ठे कर लेते हैं। तो अब निकलते हैं कॉलेज के लिए, फिर दिखाते हैं बाहर का ठंडा व्यू। भाई 2 डिग्री हो रखे हैं, मैं बता रहा ना कैनेडा का वेदर बहुत प्रेडिक्टेबल है। कल था 18, 19, 21 और आज सीधा 2। तो लिश्क विश्क के परफ्यूम लगा के निकल चुके हैं कॉलेज के लिए, अच्छे अच्छे बन के। बस वैसे ही अच्छे बने हैं, पढ़ाई तो होती नहीं है हमसे, तो कॉलेज जा रहे हैं हम थोड़ी सी मस्ती करने। पढ़ाई कौन ही करता है यार कॉलेज टाइम में, पढ़ाई तो होती नहीं हमसे, पढ़ाई किससे हुई आज तक, ऐसे ही निकल गए, ऐसे जमानों निकल गए पढ़े। तो अभी देखो हाय हाउ डूइंग, ये देखो भाई गोरी इन माय व्लॉग। तो गोरी आज व्लॉग में ले लिया, इसका थंबनेल बना लूँगा मैं और बस व्यूज़ खींच लूँगा। मतलब आज मैं सही लग रहा हूँ, मतलब गोरी ने देख के स्माइल किया तो शायद आज सही है भाई। बाकी कैमरा बड़ा शेक कर रहा है, और भाई कल तक 15, 20, 21 डिग्री पता नहीं क्या था, इतना ही था गर्मी थी, और आज सीधा 2 हो गया तो ठंड हो गया ज़बरदस्त। तो अपन अभी जा रहे हैं, हम लोग अभी जा रहे हैं, यार कैमरा कितना शेक कर रहा है चलते हुए, ज़्यादा शेक कर रहा है। तो अभी हम जा रहे हैं बस स्टेशन की तरफ, वहाँ से पकड़ेंगे बस और फिर हमारी 8:44 पे बस है और फिर हम पहुँच जाएंगे अपने कॉलेज। सिर्फ ज़्यादा नहीं सिर्फ 3 घंटे लगेंगे भाई, तो ज़्यादा बातें हो नहीं पा रही हैं, चलो बाद में मिलते हैं। ये शूज़ लास्ट वीक धोए थे, और अगर आज कुछ मौसम की अनहोनी हुई ना और ये शूज़ ख़राब हो गए, मैं अगली बार से नंगे पैर जाया करूँगा कॉलेज में, बता रहा हूँ। जब भी धोए हुए जूते डाल के जाओ या नए वाले डाल के जाओ, हर बार कुछ ना कुछ बीटी हो जाती है। बाकी आगे से अपना भाई आ रहा है कोई साइकिल पे स्ट्रगल करता हुआ, तो हमें जल्दी जल्दी पहुँचना है बस स्टेशन, फिर वहाँ पहुँच के पहुँचना है कॉलेज। कॉलेज देखते हैं आज, फिर टोरंटो घूम के आते हैं, केरला स्टोरी देखने का प्लान बन रहा है अगर देखा है तो। ये मेरे जैसा तो नहीं भाई, ये ऐसे क्यों चल रहा है, इसने मुंडी टेढ़ी करी हुई है। बाकी पुलिस जा रही है लोगों का चालान काटती हुई, और हम फिर से एक और नए सफर की तरफ, चलो बाद में दिखाएंगे, अभी कहीं फ़ोन कर लेते हैं तो अभी रास्ता कटेगा भाई। जब ज़रूरत होती है रास्ते में टाइम काटना होता है, कोई फ़ोन नहीं उठाता जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वैसे साले उठा लेते हैं सारे, अब कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। तो अब खाली सड़कें देखता हुआ जा रहा हूँ। बाकी भाई एक चीज़ यहाँ पर भी नोटिस कर ली, अगर जैसे गंदे बंदे बन के जाते हो ना नॉर्मल तुम जा रहे हो कहीं से, तो इंडिया में भी जैसे कोई इज्जत नहीं देता, इतनी कोई पूछता नहीं है, और वहीं तुम थोड़े से सही बन के चले जाओ, कपड़े सही डाल लो और वैसे थोड़ी सी पर्सनैलिटी इंप्रूव करके चले जाओ, लोग भी खुश होते हैं और तुम्हें आगे से बुलाते भी हैं, इज्जत देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है आज। तो पहले कोई ग्रीट कर देते थे, ग्रीट मतलब करते भी हैं, बट आज खुद ही ग्रीट कर रहे हैं लोग। और क्या कहते हैं, अभी मिला एक बंदा, वो कह रहा ऑफ टू वर्क, मैं कह नहीं ऑफ टू स्कूल, मैं कॉलेज जा रहा हूँ मैं अपने। तो कह रहा गुड फॉर यू, आगे 2 बातें और करने लग गया,
वरना ऐसा बहुत कम होता है। तो ये चीज़ खाली इंडिया तक नहीं है, कनाडा में भी है ये चीज़ कि अगर अच्छे से बन के घूमोगे तो इज्जत मिलेगी, अच्छा बन के घूमोगे तो इज्जत मिलेगी, मेरे जैसा सोता हुआ बंदा बन के घूमोगे तो इज्जत नहीं मिलेगी। बाकी पेड़ के ट्रीज़ के नीचे मेरा व्यू आ रहा है सेक्सी हरे हरे पेड़ों के नीचे। तो चलो फिर आगे का रास्ता दिखाते हैं ऐसे ही, बाय बाय। लो तो भाई वी आर इन द ट्रेन, दो स्टेशन और रह गए हैं, उसके बाद यूनियन स्टेशन आने वाला है, फिर वहाँ से सौदे लेके फाइनली कॉलेज। बाकी हमेशा की तरह क्यूटी लेस बैठा हूँ, कोई क्यूटी नहीं है साथ, सारी सीट्स खाली पड़ी हैं। इस ट्रेन में सिर्फ मैं ही ट्रैवल करता हूँ और मेरा बैग और मेरे शूज़ बच गए हैं खैर गंदे होने से। बाकी पहुँच के दिखाते हैं। पहुँच गए मेरे दुकान, तो आगे जा रहे हैं, दो लड़के टोट बैग लिए, अब यही फैशन करना है अपन को भी एक दिन। तो टेम्परेचर तो बेशक 8-9 रखा है अब, पर हवा चल रही है ठंडी और धूप निकल रखी है, तो व्यू तो सेक्सी है भाई। टोरंटो का क्या, सारी जगह का ही सेक्सी है जहाँ जहाँ धूप निकलती है कनाडा में। बाकी गर्मियों में इन्होंने सड़कें बनाना शुरू कर दी है। अब हमें इस गुफा में से निकल के जाना है कॉलेज की तरफ और बाकी व्यू चेक करो। कॉलेज के कैफेटेरिया में बैठे हैं गाइस, तो माहौल देख लो चारों ओर रौनक ही रौनक है। तो भाई ये जॉर्ज ब्राउन की क्लासेस हैं जिसमें अंदर क्यूटीज ही क्यूटीज बैठी हैं। गाइस केरला स्टोरी चल रही है ये सब पता होने के बाद। तो अपनी बस भाई 35 मिनट में आ रही है, 35 मिनट्स में नायग्रा फॉल बस टर्मिनल 12 नंबर पे। यार लेट हो जाता हूँ सिर्फ इस बस के चक्कर में, इतनी देर रुकना पड़ता है। अभी टाइम हो रहा है जस्ट अ सेक, भी टाइम हो रहा है 8:19 हो रहे हैं और 8:54 पे आएगी बस। अब मेरे को 35 मिनट वेट करना पड़ेगा यहाँ जस्ट इस बस के लिए। तो बर्लिंगटन में खड़े हैं राइट नाउ हम, तो आज मूवी देख के आए हैं, मूवी का प्लान बन गया था। तो आज हमने मूवी देखी था केरला स्टोरी, जो कि मेरे को बिल्कुल भी कुछ खास नहीं लगी, मतलब बिल्कुल कुछ थी नहीं यार, मतलब मज़ा नहीं आया देखने का कुछ। कि सोच रहे थे मूवी देखेंगे, मूवी में जैसे सिनेमा में देखने में मज़ा आता ही आता है, बट दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम मज़ा नहीं आया यार मूवी देखने का। तो नेक्स्ट टाइम कोई और ट्राई करेंगे। बाकी कॉलेज का दिन गया आज बढ़िया, अब घर जाना है, कल फिर शिफ्ट पे जाना है और असाइनमेंट करनी है। लाइफ हो रखी है अप, यू नो व्हाट आई मीन। तो भाई भांडे भुंडे मांज दिए हैं, अब चलते हैं अपने रूम के अंदर, चलो दिखाते हैं फिर आगे। तो चलो गाइस व्लॉग को करते हैं एडिट और करते हैं अपलोड। ये मास्टर कार्ड आया पड़ा है अपना, इसकी बिल की पेमेंट भी करनी है, वॉलमार्ट का कार्ड है, इस पे एक दिन जरूर वीडियो बनाएंगे, रोज यही बात करता हूँ। चलो मिलते हैं फिर कल के एक और बकवास व्लॉग में, बाय बाय।